अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। शौक बहुत अच्छा चल रहा होगा आप सारे लोगों का। तो आज की वीडियो कमाल की है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और ज़्यादातर हर बंदे को इसका फ़ायदा होगा। एक भाई ने सवाल किया, आंसर सबको मिलेगा। बेसिकली आज हमने क्या सीखना है, आज हमने ये जानना है। भाई ने कहा था यार जहरबाद का इलाज बहुत सारा, लेकिन अगर जहरबाद मुंह में हो जाए तो क्या करें, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज और बाकी सारी चीज़ काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर आपको किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन टाइप, किसी किस्म का कोई तजर्बा या इनको मुर्गियों के साथ फिजिकल कोई ऐसी चीज़ करते नहीं दिखा सकता। ठीक हो गया, एक चीज़ तो हमने ये अपने माइंड में रखनी है। मैं शौक भी थोड़ा थोड़ा बीच में तोड़ तोड़ के आपको कराऊँगा, लेकिन पहले जैसा अब निज़ाम नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें अभी कन्फ्यूजन है, क्या हो रहा है, क्यों ये सब कुछ होता है, क्यों वीडियोज़ डिलीट होती हैं, क्यों ये सारा कुछ होता है, मुझे अभी इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, रिसर्च हो रही है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं एहतियात करूँ। ठीक हो गया, बेसिकली मेरी बताई हुई बातों से ज़्यादा फ़ायदा होना है। शौक मेरा कैसा है कैसा नहीं है मैं अक्सर दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर भी दिखाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल, अभी के लिए फ़िलहाल कुछ अर्सा आप लोग इसको एज इट इज़ लेके चलें, बेहतर हो जाएगा। आज हमने सीखना क्या है, आज हमने सीखना है अगर मुंह में जहरबाद हो जाए तो क्या करते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि मुंह के जहरबाद के लिए हैं खाली, लेकिन मैं मुंह के जहरबाद के साथ साथ आपको जो टांगों पे जहरबाद होता है या जिस्म पे जहरबाद होता है उसका इलाज भी साथ ही बताऊँगा, ताकि दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाए। सबसे पहले आते हैं मुंह के जहरबाद की तरफ। दो तरह से जहरबाद होता है, एक होता है बैरूनी, एक होता है अंदरूनी। मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नेट पे सर्च कर रहे हैं बैरूनी है ये क्या होता है और अंदरूनी क्या होता है। बैरूनी वो होता है जो बाहर नज़र आता है, जिस तरह कोई ज़ख्म हो गया, जहरबाद बन गया, फूल गया और उसका मुँह जहाँ निशान होता है यहाँ पर जबड़ियों में कहीं पर नज़र आता है, अगर दूध सी बनी उसको खींच के निकाली भी जा सकती है। एक होता है अंदरूनी, ठीक हो गया, वो जिसपे सोज चढ़ जाती है लेकिन कोई मौका, कोई कील, कोई मुंह उसका नहीं बना होता, वो सोज चढ़ जाती है जहरबाद में। दोनों का एक तरह से इलाज बताऊंगा, एक चीज़ का इजाफा करूंगा, एक चीज़ का नहीं होगा। एक चीज़ में अगर ऐसा जहरबाद हो जो मुंह के कवासी की साइड पे हो जाए और वहाँ पर जहरबाद नज़र भी आ रहा है जिसको आप साफ़ कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आपने उस पर एक ट्यूब लगानी है जिस ट्यूब का नाम है कैनालॉग। बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके ऊपर सॉल्ट भी लिखा हुआ है, काइंडली इसका सॉल्ट जो है वो भी आप पढ़ लें, इसका सॉल्ट भी आप देखें, इसका सॉल्ट क्या लिखा हुआ है, ये क्लियर हो गया। इसका सॉल्ट देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें, वो उल्टा हो गया, ठीक है। ये कुछ टेरी एमिसिलोन है इसका सॉल्ट, टेरी एमिसिलोन एमिसिनोलोन कुछ ऐसे करके है, कैनालॉग ट्यूब है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके इसको रोटेट करके इसका सॉल्ट देख सकते हैं। उस ज़ख़म वाली जगह पे आपने कैनालॉग भर देनी है, लगा के ये जेल की तरह होती है, लग जाती है, सूख जाती है और ठीक हो जाती है। इससे इंशाल्लाह ताला वो ज़ख़म जल्दी भरेगा, दोबारा जहरबाद नहीं होगा। मुँह में किसी भी तरह का ज़ख़म भी हो जाए उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है, कमाल चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ आपने इंजेक्शन कौन सा यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है डेक्सासिम, मतलब ये है डेक्सामेथासोन इसका सॉल्ट। ये बला चीज़ है यार, लिंकोस्पायरा सेलमोर कंपनी का, ठीक है, लिंकोस्पायरा, ठीक हो गया। इसका जो सॉल्ट है वो जनाब क्या है, बड़ा ही छोटा लिखा हुआ है, लिंकोमाइसिन HCl 7.5। ये सॉल्ट याद रखना है आपने, रिपीट कर रहा हूँ, लिंकोमाइसिन HCl 7.5 इस सॉल्ट का कोई भी ले सकते हैं। दूसरा यार कसम से बहुत छोटा लिखा है, मुझे पता नहीं लग रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेप्लारासिन सल्फेट कुछ ऐसे करके लिखा 12.15। बहरहाल इसकी तस्वीर नेट से मिल जाएगी आपको, सेलमोर कंपनी लिंकोस्पायरा लिखेंगे ये आपको नेट से मिल जाएगी।
सेलमोर कंपनी लिंकोस्पायरा लिखेंगे, सॉल्ट मिल जाएगा। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता लग रहा वो देख लें, और उसके ऊपर सॉल्ट नेम लिखा होगा, डॉक्टर को जाकर दिखा देंगे। दोनों सॉल्ट जिस भी टीके में हो वो ले लो, ठीक हो गया, जिस भी टीके में हो वो ले लो, फायदा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता। अब जहर बाद का देसी इलाज भी बताना है आपको, आज देसी भी बताएंगे। इससे पहले बताएंगे, अगर यही जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, अगर मुंह में जहरबाद नहीं है, टांगों पे जहरबाद नहीं, जिस्म पे कहीं पे जहरबाद है, उसके अंदर सिर्फ ये टीका इस्तेमाल होगा। कितना इस्तेमाल होगा? हाफ सीसी जो है वो लगेगा लिंकोस्पायरा, हाफ सीसी लगेगा डेक्सा, मतलब टोटल एक पॉइंट होना चाहिए, लगा दें चेस्ट में, एक टाइम लगाना, चाहे तो शाम को लगाएं चाहे दिन में लगाएं, एक टाइम लगाना, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ों का इलाज बता दिया आपको, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, पता नहीं मैंने क्या बताना था, हाँ देसी इलाज। अगर देसी इलाज करना है, किसी के पास कहता है यार मुझे ये इंजेक्शन नहीं मिल रहे, मुझे वलैती इलाज नहीं करना, मुझे देसी इलाज करना है, मुझे देसी इलाज बताएं, या वट एवर कुछ भी अगर उनके जहन में आता है, ये नहीं करना चाहते, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंशाल्लाह उससे भी ये जो जहरबाद वाला काम है ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैंने अक्सर बताया ये चीज़, आपने अगर ना गोल लाल मिर्च लेनी है साबत, गोल लाल मिर्च पंसार से मिलेगी, खुश्क हुई लेनी है, दूसरी फौरन तोड़ वाली ना ले लेना, ये खुश्क हुई मिल जाती है पंसार से। गोल लाल मिर्च या गोल सुर्ख मिर्च आपने ले लेनी है पंसार से, ले आनी है, सुई पकड़ के उसमें सुराख कर लेना। उसके बाद आपने लेना सरसों का तेल, सरसों का तेल, उसके अंदर आपने मिर्चें 50 भिगो देनी है, रात को भिगोएं, सुबह नहार मुंह मुर्गे को दो मिर्चें खिला दें, ठीक हो गया, दो मिर्चें सुबह खिला देनी है। शाम के टाइम काली जीरी मिलती है, काली जीरी या काला जीरा कुछ भी कह सकते हैं, उसको पीस लें, इतना सा टोटा लें गुड़ का, उसमें इतनी सी, इतना सा काला जीरा या काली जीरी आपने मिला के इतनी गोली बना के शाम को दे देनी, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें आप कर लें, इंशाल्लाह ताला जहरबाद बढ़ना ख़त्म हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम से जाकर ठीक होगा, लेकिन होगा ज़रूर इंशाल्लाह। ये मेरे उस्ताद का नुस्खा है, पहले भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सारा टॉपिक एक दफ़ा में कवर हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें, बदमाशी से सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आई नीड, वो कौन सी है यार, मुझे वो चाहिए सिल्वर बटन जल्दी से जल्दी। तो मेरे तमाम भाइयों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आता हूँ। इस टाइम मैं बोल बोल के रोज़ा लगने वाला हो गया, तो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाएंगे। आप सबका प्यार इसी तरह का रहेगा तो इसी तरह वीडियोज़ आती जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।